जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को ही मेरे तूने क्यों ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज जो है शादी का दिन है, कल मेहंदी हुआ था, बहुत ही धमाल हुआ था मेहंदी में, बहुत एंजॉय किए थे बच्चों ने, ज़्यादा एंजॉय किए थे फैमिली ने, एंजॉय किए थे, और आज जो है शादी है। कल इवेंट जो हुआ था हमारा, जो हमने बच्चों के साथ में गेम्स वगैरह जो खेले थे, बहुत ही ज़्यादा टाइडी हो गया उस वजह से, क्योंकि रात के लेट 11 बजे तक के जो चला, और जो शाम से हमने स्टार्ट किया था तब से लेकर रात तक के जो कंटिन्यू हम खड़े थे और बच्चों को जो खिला रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे उसमें। तो आज मॉर्निंग में जब उठ रहे थे तो बॉडी पूरा टायर्ड था। तो एनीवे अब जो है रेडी हो चुके हम लोग, और अब हम निकलेंगे सीधा शादी के लिए, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। दूल्हे साहब को देखते हैं किस ड्रेसिंग में है आज दूल्हे साहब, और क्या क्या वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, खाना क्या है, सारा जो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो शादी हॉल में हो रही है, उडुपी हॉल में है, हॉल का नाम जो है मिशन कंपाउंड है, वहाँ पर जो है शादी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हम जो है पहले निकाह के लिए जाएंगे, निकाह होने वाला है मस्जिद में, उडुपी मस्जिद में होने वाला है, वहाँ पे हम निकाह होगा, उसके बाद में जो है हम जाएंगे सीधा शादी के लिए। तो चलिए चलते हैं। क्या चमक रहे बच्चे, देखो माशाल्लाह क्या लग रहा है एकदम। यूनिफॉर्म दिखाओ तुम्हारा, ये कुर्ता, क्या बात है, एक नंबर। इधर जाओ, दिखो दिखो इधर।
इतना अच्छा ड्रेस कोड डाले, साथ में खड़ो एक मिनट, चारों जन आ जाओ, क्या लग रहे एकदम, ये दूल्हे के खास लोग हैं जो एक ही ऐसे ड्रेस डाले ड्रेस कोडिंग में एकदम। ऐसा करो ऐसा करो, एक नंबर लग रहा है, एक नंबर। चलो हाँ कभी जाना होते जो अभी वहां पे मॉल के अंदर पे एक जूस पिए फटाफटा बाद में दूसरे लोग कैसे होते भाई, यहाँ पे जूस बट रहा तो यहाँ पे आ गए, अभी वहां पे भाग रहे खाना खाने के लिए। देखो रेडी है खाना, खाना रेडी है क्या, क्या मालूम, चलो अभी देखने का वापस। और अच्छा है माशाल्लाह। ओके ऑल डन चाचा, चाहिए क्या चाहिए बोलो, कुछ चाहिए क्या, हो गया कम लग रहा है। वसी भाई फुल बिजी आदमी है, जब से भाई की शादी हो रही है एक पल भी हमको मिले नहीं, कल पूरे मेहंदी के टाइम गायब थे बिल्कुल हमारे साथ मुलाकात नहीं हुई, पूरा बिजी हॉल का जो है अरेंजमेंट इनका है, बाहर का जितना भी कैटरिंग का अरेंजमेंट इनका है, लोगों का जो अरेंजमेंट इनका है, पूरे जिम्मेदारी जो है छोटे भाई के कंधों पे है, और बड़ा भाई वहाँ पे बैठ के मजे कर रहा है, देखो अभी लगा हुआ है बड़ा भाई स्टेज पे खड़ा है बस खाली, तो सेकंड नंबर इनका है, तो उस टाइम पे ये लोग मेहनत करेंगे करेंगे ना लोग कि बीवी को लेकर निकल जाएंगे, करेंगे ना, कराना पड़ेगा अपने को। आज दिन आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, चिट्टा कुकड़ Thank you.
जस्ट अभी हम लोग घर पर आकर पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह शादी बहुत ही बढ़िया था और बहुत अच्छा तरीके से जो प्रोग्राम अरेंज किया गया था। खाना बहुत बढ़िया था, बिरयानी बनाया गया था, मटन का बिरयानी था, साथ में चिकन था और आइसक्रीम था उसके साथ में। देन उसके बाद में टी वगैरह था और शादी का जो लोग ने फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया था वो भी बहुत बढ़िया था। हॉल सबसे बढ़िया था, हॉल तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग उसके अंदर आ सकते हैं। इवन लोग भी जो है बहुत सारे आए थे और बहुत लोगों ने जो है वो आकर जो है सेलिब्रेट किया, शादी को जो है इन्जॉय किया और दूल्हे साहब तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और जिस तरीके से वो लोग ने जो रस्म को बनाए थे, रस्म जो वो लोग ने ऑर्गेनाइज किए थे तो वो बहुत बढ़िया रहा। तो एक डिफरेंट था थोड़ा सा, एक अच्छी तरीके से शादी जो है वो लोग ने वेल मेंटेन करके जो है लोगों ने अच्छी तरह से आकर खा पी कर जो है वो इन्जॉय करके किया। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, दुआ में ज़रूर याद रखना। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गाइस हम लोग अब जा रहे हैं दूल्हे के जो है बेडरूम में जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे काम चल रहा है डेकोरेशन का, जहाँ पे फर्स्ट नाइट जो है हमारे दूल्हे साहब जो है बिताने वाले हैं। इतनी आसानी से हम लोग उसको एंट्री देने वाले नहीं है, लेकिन हम लोग पहले जाके चेक करते हैं काम किस तरीके से और किस प्रोग्रेस में करके, पहले वो देखते हैं हम लोग जाकर। दूल्हे साहब पीछे पीछे आ रहे भगवान। यहाँ है माशाल्लाह, ये है यहाँ पे ड्रेसिंग दूल्हे साहब का और ये लगा है बलून से पूरा बेडरूम सजा हुआ है। काम चालू है, भाई लोग जो है यहाँ पे सजा रहे हैं। अभी बेड सजने वाला है, बाकी ऊपर का डेकोरेशन जो है पूरा वॉल का डेकोरेशन हो चुका है। अनफाल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, सिर्फ खड़े रह के देखे वो मेहनत था उनका। लाइट चालू कर लो अल्फा, तेरे टाइम में भी आएगा, तू टेंशन मत ले, हम लोग सजाएंगे तेरे लिए। इससे अच्छा सजाएंगे, दुआ करो, ये दुआ करो जल्दी आने के लिए। लाइट चालू, गुड स्पिरिट, गुड स्पिरिट। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। तू ही अखियों की ठंडक,
तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू जन्ना वे तुझ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे तेरे नीले नीले नैनों से शबनम धड़कन एक धड़कन आज